बिम्बो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ आईएसएस 2020 ऑल इंडिया रैंकिंग 25 आदित्य मंडल दा है। दादा आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और आईएसएस क्लियर करने के लिए हार्दिक बधाई। थैंक यू सो मच। दादा आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम आदित्य मंडल है। मैं अपना ग्रेजुएशन रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज नरेंद्र मोड़ कोलकाता से किया है। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं अपना एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में किया था। 2019 में यह कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2019 में। करते करते तब मैं आईएसआई में एक प्रोजेक्ट करता था, आईएसआई कोलकाता में एक प्रोजेक्ट करता था, तभी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था, बट इंटरव्यू में मैं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, इंटरव्यू मैंने क्लियर नहीं कर पाया था। उसके बाद मैं एक प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया था, काफी बहुत कम टाइम के लिए, लगभग 3.5 मंथ्स के लिए मैं प्राइवेट सेक्टर में था। फिर मैं वो जॉब छोड़ दिया एंड फुल्ली मैंने सर्विस के लिए प्रिपेयर किया। 2020 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था तो अच्छा रहा, अटेम्प्ट सिलेक्शन हो गया। तो दादा आपने 2 साल का आईएसएस का प्रिपरेशन किया है, तो 2 साल में आपको सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा लगा आईएसएस की में? एक्चुअली सबसे मुझे जो पर्सनली डिफिकल्ट पेपर लगा था वो था पेपर 3 एंड एज वेल एज पेपर 4 का सम पार्ट। एक्चुअली क्यों, बिकॉज मेरा एमएससी एक्चुअली आईआईटी कानपुर से था, तो आईआईटी का कोर्स स्ट्रक्चर, आईएसएस का जो सिलेबस का पैटर्न है उससे काफी मतलब डिफरेंट है, वो कभी भी मैच नहीं कर पाता। वो 2 साल में आईआईटीज में काफी सारे मतलब असाइनमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स होते थे। सर मेल में असाइनमेंट सेंड कर रहे थे, हम लोगों को कोड रन करना पड़ता था, लैटेक में बोल रिपोर्ट लिखना था और वो सबमिट करना पड़ता था। ऐसे ही आईआईटी के 2 साल हम लोगों ने मतलब पढ़ाई की थी। फिर आईएसएस का जो एग्जाम पैटर्न है वो उसमें आपको हाथ में लिखना पड़ता है क्वेश्चंस, वो पर्टिकुलरली पेपर 3 एंड पेपर 4 में बहुत मतलब लेंदी क्वेश्चंस लिखना पड़ता था, जो जिसका हैबिट काफी टाइम से नहीं था 2 साल से आईआईटीज में, तो मुझे तो पेपर 3 एंड पेपर 4 का कुछ पार्ट मुझे स्ट्रगल हुआ था उस पार्ट में, वो हैबिट फिर से मेरे अंदर प्रिपेयर करना, एक बड़ा क्वेश्चन 25 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना, वो सारे हैबिट फिर से मुझे जनरेट करना पड़ा। तो मुझे तो पेपर 3 एंड एज वेल एज पेपर 4 काफी डिफिकल्ट लगा था कंपेयर टू पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके दादा, तो पेपर 1 और जो 2 एमसीक्यू पार्ट था तो उसको लेकर आपका अप्रोच क्या था? एक्चुअली हम लोग मतलब जब बीएससी थर्ड ईयर में थे तब हम लोग जैम की प्रिपरेशन करते थे। वो जैम का एग्जाम पैटर्न वो एमसीक्यू टाइप सी होता था और आईएसएस का पेपर 1 एंड पेपर 2 से काफी सिमिलर होता था। जो पर्टिकुलरली जो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट था सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आता था, तो ऑलरेडी एक हैबिट था एमसीक्यू सॉल्व करने का, तो इसीलिए मतलब उतना ज्यादा मैं यहाँ पेपर 1 एंड पेपर 2 में मुझे 2019 में भी एज वेल एज 2020 में भी उतना टाइम मुझे नहीं देना पड़ा था, क्योंकि था एक हैबिट ऑलरेडी जनरेटेड था और आईआईटीज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते थे, मतलब एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे ही सवाल पूछते थे एग्जाम में, वो ही सॉल्व करना पड़ता था। मैं प्रीवियस कुछ 2016 से 2019 तक 4 साल का पेपर प्रीवियस पेपर सिर्फ सॉल्व किया था और गुप्ता कपूर सब लोग सजेस्ट करते थे, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं था। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट सेक्टर में था, फिर मतलब छोड़ के 2-2.5 महीने पहले ही छोड़ दिया था जॉब, तो उतना टाइम नहीं था। तो मैं जो बीएससी ग्रेजुएशन का मेरा नोट्स था वो ही मैं देख के गया था और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके गया था एंड दैट इज ओके। दादा आप हमें कुछ बुक सजेस्ट कर सकते जो आपने प्रेफर किया है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए? हाँ डेफिनेटली। एक्चुअली मैं उतना नहीं कर पाया, लेकिन मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 के स्टेटिस्टिक्स पार्ट के लिए फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी आईएसएस जो कैंडिडेट्स है वो जो क्लियर कर चुके हैं सभी इस बुक का नाम बताएंगे आप लोगों को, जो एस्पिरेंट्स है उनको ऑलरेडी उनको पता होगा। और ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आईएसएस में मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 2 घंटे का पेपर होता है, तो इसमें सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा अगर कुछ होता है कि 2-3 सवाल एटलीस्ट आपको मतलब पहले से आपको नोन है कि जिसका आंसर आपको पता है और जिसका टाइप आपको पता है ऐसा मिल जाए, तो फिर उसके बहुत एडवांटेज होता है। तो ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स से काफी सारे क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली एकदम एग्जाम में आता है,
तो जो जो लोग मुझे तो यही लगता है कि जो लोग वो बुक थोरोली सॉल्व करते हैं उन लोगों को एडवांटेज डेफिनेटली एग्जाम में मिल ही जाता है। अगर इसके वो इटसेल्फ इट्स अ बिग बुक, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स इज अ ह्यूज बुक, वो सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करना ही अपने अपने बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो किसी कोई भी एस्पिरेंट वो सॉल्व कर लेते हैं और उसके पास और भी टाइम बचता है या फिर वो और भी सॉल्व करना चाहता है, तो आई थिंक रोहतगी सजेस्ट करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन मुझे लगता है कि रोहतगी आईएसएस स्टैंडर्ड से काफी ऊपर होता है, मतलब उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस रोहतगी जैसे क्वेश्चंस आईएसएस में नहीं पूछते, लेकिन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ रोहतगी या फिर गुप्ता कपूर या गुण गुप्ता, ऐसा बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो उसमें मतलब सभी जो लोग फॉलो करते हैं 3-4 साल के क्वेश्चन पैटर्न फॉलो किया है उन लोगों को पता है कि एक ही बुक होता है न्यूमेरिकल में जहां से मतलब डायरेक्ट सवाल आता है, वो है हर्षित सक्सेना का बुक होता है, एक न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक्स आता है। पिछले साल 2019 में मुझे उस बुक्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन 2020 में मुझे एक ग्रुप है टेलीग्राम में ISS के ओरिएंटेशन, वो उसी ग्रुप से मुझे पता चला था कि इस बुक के बारे में। तो जब मैं वो बुक देखा तो मुझे पता चला कि काफी सारे क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स के होते हैं वो डायरेक्ट उस बुक से पूछा गया था ISS में। तो डेफिनेटली वो बुक हर्षित सक्सेना का वो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का बुक है वो डेफिनेटली कोई फॉलो कर ही सकता है। और उसके बाद कंप्यूटर का मैं खुद से पर्सनली मैं उतना फॉलो नहीं किया था कंप्यूटर का, लेकिन बाला गुरुस्वामी का एक बुक आता है तो वो फॉलो कर डेफिनेटली कर सकता है। इसके बाद पेपर टू में तो मतलब इन्फरेंस जो होता है वो तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो गुप्ता कपूर है उसमें आ जाता है। इसके बाद जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का पेपर आता है तो उसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, लेकिन मुझे पर्सनली ये फील होता है कि ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स उन लोग ही ज़्यादातर अच्छा करता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में जो ऑलरेडी मॉस्पी में काम कर चुका है, लाइक मॉस्पी में इंटर्नशिप कर चुका है या फिर मॉस्पी के कुछ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स डेटा में काम कर चुका है। क्योंकि मतलब रट्टा मार के या फिर एग्जाम मतलब देख देख के उतना ज़्यादा याद नहीं रहता ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन कोई भी अगर कर सकता है लेकिन तो मॉस्पी का वेबसाइट तो डेफिनेटली ये नंबर वन प्रायोरिटी होता है कि मॉस्पी का वेबसाइट वो बहुत अच्छे से फॉलो किया करे। वहाँ पर माइक्रो डेटा कैटलॉग एक होता है, ऑप्शन होता है कि कोई भी अगर मॉस्पी का वेबसाइट खुलता है तो उसमें माइक्रो डेटा कैटलॉग का एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जितने भी सर्वे करते हैं उसका मतलब लिस्ट होता है। तो डायरेक्ट वो एक एक करके एक एक सर्वे में जाए, लाइक ASI एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे या फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, कोई भी इकोनॉमिक सेंसर, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो एक एक करके जाए वहाँ पर थोड़ा बहुत देखे कि कौन सी सर्वे कहाँ से कहाँ तक होता है, कौन सी पीरियड से कौन सी पीरियड तक, सैम्पलिंग डिज़ाइन कौन सी सर्वे का कौन सी है। लाइक इस साल पूछा गया था एक कि PLF रोटेशनल सैम्पलिंग डिज़ाइन कौन सी सैम्पल सर्वे का प्रोसीडर सैम्पलिंग डिज़ाइन है जो PLF का होता है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का होता है। तो ऐसे ही मतलब ओवरऑल वो देख के रखे कि कौन सी सैम्पलिंग सैम्पल डिज़ाइन कहाँ से कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक होता है, उसका सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, उसका मेथोडोलॉजीज क्या है, उसका यूनिट्स क्या है, ये सब बेसिक कुछ चीज़ें देख के रखे। उसके बाद पेपर टू में एनोवा आता है, मतलब थोड़ा बहुत, तो एनोवा किसी भी बुक से फॉलो कर सकता है। मतलब एनोवा लगभग सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है, उसमें ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर लोग वो फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स फॉलो करते हैं उसके लिए, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। कोई अगर और कुछ बुक्स फॉलो कर सकता है डेफिनेटली ओके। ओवरऑल यही मतलब बुक्स होता है पेपर वन एंड पेपर टू के लिए। अगर पेपर थ्री और पेपर फोर आपके लिए डिफिकल्ट था, आपको राइटिंग में परेशानी होता था, तो आपने राइटिंग के लिए कौन से बुक फॉलो किए पेपर थ्री के लिए मेनली? पेपर थ्री का जो मेन प्रॉब्लम और एक है, उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। मतलब पेपर थ्री में सैम्पलिंग आता है, इकोनोमेट्रिक्स आता है, टाइम सीरीज आता है, इंडेक्स नंबर आता है, डिमांड एनालिसिस आता है, मतलब और सभी बहुत कुछ होता है, सब में बहुत कुछ होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो करते हैं वो सैम्पलिंग के लिए अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ही फॉलो करता है, लेकिन मैं अपना ग्रेजुएशन का जो नोट्स है वो फॉलो किया था। उसके अलावा हमारे IIT बेसलब सर का जो नोट्स है वो ऑनलाइन में अवेलेबल है, मैं वो थोड़ा बहुत फॉलो किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जो न्यूमेरिकल्स है, मैं अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से थ्योरी नहीं पढ़ा था क्योंकि थ्योरी मेरे ग्रेजुएशन एंड MSc के नोट्स से ही कवर हो गया था। तो मैं अप्लाइड गुप्ता कपूर का अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आता है उसमें जो
न्यूमेरिकल एनालिसिस है, मैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस सॉल्व करता था। उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स का जो नोट्स है, मतलब पोर्शन है, मैं वो भी आईआईटी कानपुर के सलभ सर उसके नोट से ही फॉलो किया था मोस्ट ऑफ द केसेस। और उसके अलावा आईआईटी कानपुर में हमारा जो रिग्रेशन का कोर्स लिया थे शर्मिष्ठा मैम, मैं शर्मिष्ठा मैम का नोट फॉलो करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं गुजराती का बुक फॉलो करता था क्योंकि वो एक पोर्शन आता है थ्योरी ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो काफी डिफिकल्ट होता है ओवर द ईयर्स। उसमें मतलब थियोरिटिकल कुछ प्रूफ्स पूछा जाता है जो प्रूफ्स मतलब मैथमेटिकली कॉम्पिटिशनली बहुत डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज या फिर इवन आईआईटी कानपुर में भी वो पढ़ाया नहीं जाता है, तो स्टूडेंट्स को खुद से वो पढ़ के समझना वो काफी डिफिकल्ट होता है, तो वो मैं गुजराती के बुक से किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडेक्स नंबर या फिर डिमांड एनालिसिस और टाइम सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट इंडेक्स नंबर एंड डिमांड एनालिसिस। ये कोई भी बुक से कुछ मतलब कोई भी कर सकता है, अंडर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के नोट से भी कर सकता है या फिर कोई बुक फॉलो करना चाहता है वहां से भी कर सकता है, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लगभग एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है इंडेक्स नंबर से, वो लेस पेयर्स पासची फीसर्स इंडेक्स नंबर ऐसा ही कुछ घुमा फिरा के आता है। डिमांड एनालिसिस में भी सेम ही केस है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स का बुक गुप्ता कपूर का फॉलो करे तो बेहतर है, क्योंकि वहां से ओवर द ईयर्स दिखा गया है कि वहां से डायरेक्ट एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो फॉलो करना आई थिंक फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव बेटर होता है। और टाइम सीरीज आई थिंक काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि टाइम सीरीज का जो सिलेबस है आईएसएस में किसी एक बुक में वो कवर नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा कि किसी एक बुक में या फिर किसी एक नोट्स में किसी यूनिवर्सिटीज या फिर किसी भी कॉलेज के नोट्स में वो कवर हो जाता है, मैंने तो नहीं देखा। तो वो उसमें जो जो मतलब टॉपिक्स होता है लाइक डिफरेंट मॉडल्स, एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, आरमा, एरिमा, एआर, एमआर, एस एरिमा, एवरीथिंग, वो टॉपिक मतलब अलग से मेरे नोट से पढ़ा था। फिर मैंने देखा कि और कौन सी टॉपिक्स है, स्पेक्ट्रल डेंसिटी या फिर वो साइक्लिकल कंपाउंड का एक साइक्लिकल एनालिसिस का एक बार प्रूफ आता है, वो मुझे फिर अलग बुक से वो जो गुप्ता कपूर में अवेलेबल नहीं है लेकिन मतलब दो तीन बार आईएसएस में पूछा गया है वो प्रूफ, तो वो प्रूफ मुझे मिला था पुन गुप्ता दास गुप्ता का एक अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स बुक आता है उसमें। तो ऐसे ही मतलब टॉपिक्स देख देख के मुझे मतलब काफी बार मैंने गूगल सर्च किया था कि इसमें से का वो टॉपिक मतलब एकदम मैंने गूगल में लिख के सर्च कर दिया था, फिर जो आता था मैं वो नोट्स बना लेता था। ऐसे ही मतलब टाइम सीरीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन पेपर थ्री आई थिंक, और उसके मतलब नोट्स खुद से बनाना पड़ता है, किसी एक बुक्स में मुझे तो नहीं लगता मिल जाता है। पेपर फोर के लिए आपका ऑप्शनल पेपर कौन से थे? पेपर फोर में मैं डेमोग्राफी वाइटल स्टैटिस्टिक्स किया था, उसके अलावा मल्टीवेरिएट एनालिसिस मैंने अटेम्प्ट किया था। तो द वाइटल स्टैटिस्टिक्स और डेमोग्राफी में जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन आए उसमें माइग्रेशन और सेंसस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आपने कहां से प्रिपेयर किया था? या डेफिनेटली ये सेंसस रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे ओवर द ईयर्स, लास्ट 2-3 ईयर्स में काफी बार पूछा जाता है। इस बार भी अगर देखा जाए तो आई थिंक 10 नंबर्स पे जो क्वेश्चंस होता है 5 क्वेश्चन करना पड़ता है, उसमें 2 ऐसे क्वेश्चंस थे जो सेंसस रिलेटेड थे। उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे में क्वेश्चन ईयर कैसे बनाया जाता है या फिर क्या किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आता है वो लिस्ट करो, तो ऐसे क्वेश्चंस ना कुछ मतलब कोई बुक्स में नहीं मिलता है। ये आपको उभरता काम जो लोग मौसमी में इंटर्नशिप करता है या फिर मौसमी का डेटा यूज करता है उन लोगों को ही पता होता है कि क्योंकि ये सर्वे मौसमी ने किया है, उनको ही मौसमी को ही पता है कि कौन से क्वेश्चन वो मतलब क्वेश्चन ईयर में डाले हैं कौन से क्वेश्चन। तो मैं एक्चुअली मैं जो मैं मेंशन किया था शुरू में ही कि मैं आईएसआई में 7 मंथ्स का प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें मैं जो डेटा यूज किया था वो एनएसएसओ 67th राउंड ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा था, जो तो मुझे काफी सारे चीज पता था इस सर्वे के बारे में, तो क्वेश्चन ईयर्स के बारे में मुझे उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन अगर सेंसस के बारे में पूछा जाता है तो आई थिंक कोई गूगल सर्च कर सकता है एज सच, मुझे तो नहीं पता कि कौन सी बुक्स में ये मिलता है, मैंने नहीं देखा किसी भी डेमोग्राफिक बुक्स में सेंसस रिलेटेड कोई टॉपिक्स मतलब उसमें सेलियंट जो फीचर्स है इंडियन सेंसस का वो लिखा गया है थॉरोली जैसे आईएसएस में पूछा जाता है, तो वो कोई गूगल कर सकता है या फिर वेबसाइट में जा सकता है, वो नेशनल रजिस्टर ऐसा कुछ वेबसाइट का नाम है, मुझे अभी पूरा याद भी नहीं है, तो उसमें जा सकते हैं, उसमें जाके पर्सनल नोट्स बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट माइग्रेशन जो टॉपिक्स है माइग्रेशन का नोट्स काफी सारे बुक्स में अवेलेबल है। मैं जो फॉलो किया था उसमें एक
माइग्रेशन टेक्निक्स नाम का एक बुक आता है श्रीनिवासन का, वो काफी छोटा था, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि बहुत इलेबोरेटली पढ़ूं, तो काफी छोटा कॉन्साइज फॉर्म में था, तो मैं श्रीनिवासन का माइग्रेशन टेक्निक्स वो बुक्स फॉलो किया था। वहाँ पर लगभग सारे टॉपिक्स जो आईएसएस में पूछा जाता है वो था, वो लिस्टेड था, लाइक इंटरनल सेंसस, इंटरनेशनल सेंसस, या फिर सेंसस के और जो टॉपिक्स है, या सेंसस का माइग्रेशन कैसे कैलकुलेट होता है, डिफरेंट प्रोसीड्योर्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरनल माइग्रेशन, वो सभी मतलब कॉन्साइज फॉर्म में था, जो काम मुझे लगता था कि काम चल जाएगा मेरा इससे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा और यूएस सेंसस का एक बुक आता है कि यूएस सेंसस प्रोसेस, वहां पर भी माइग्रेशन यूएस, वो बुक्स मेनली यूएस डेटा के साथ ओरिएंटेशन होता है कि यूएस माइग्रेशन कैसे हुआ, यूएस माइग्रेशन का अभी रेट क्या है, ऐसे कुछ टॉपिक्स है, लेकिन हर एस्टिमेट के पहले वो डेफिनेशन देता था, जो डेफिनेशन काफी अच्छा होता था। यूएस माइग्रेशन एक बुक आता है, तो वो बुक्स भी कोई फॉलो कर सकता है अगर कोई चाहे तो। तो मैं तो यही दो बुक माइग्रेशन के लिए फॉलो किया था। और जो दूसरा पेपर था मल्टीवेरिएट, उसको लेकर आपने अप्रोच किया था? मल्टीवेरिएट एक्चुअली लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स एनपीटीएल के एक अमित मित्रा का कोर्स होता है वहाँ से फॉलो करता है। वो अमित मित्रा आईआईटी कानपुर के ही प्रोफेसर थे, तो वो हमारे मतलब क्लासरूम में जो पढ़ाते थे वही रिकॉर्ड करके एनपीटीएल में आ जाता था। तो मैं तो अलग से कुछ बुक्स या फिर ऐसा बहुत बुक्स फॉलो नहीं किया था, मैं क्लास नोट्स ही फॉलो किया था। हाँ, आईएसएस का जो पूरा सिलेबस होता है वो नहीं आता है, मतलब जो हमें क्लास में पढ़ाया जाता है वो पूरा कवर नहीं होता है आईएसएस का पूरा सिलेबस, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो मैं एक जॉनसन्स का बुक होता है, जॉनसन्स का मल्टीवेरिएट एनालिसिस का बुक्स, वहाँ से किया था कुछ। एंडरसन का एक बुक्स होता है जहाँ पर मतलब काफ़ी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मल्टीवेरिएट में पूछा जाता है, लाइक सैम्पल कोरिलेशन मैट्रिक्स का नल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, या फिर सैम्पल कोरिलेशन मैट्रिक्स का नॉन नल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। तो ये सारे बहुत मैथमेटिकली डिफिकल्ट क्वेश्चंस होता है, तो ये एंडरसन के बुक में ही सिर्फ अवेलेबल था, तो मैं तो वहाँ से वो नोट्स बनाया था। इसके अलावा जॉनसन्स के बुक्स में सिर्फ मैं वो ही देखा था जो अमित मित्रा सर के नोट्स में अवेलेबल नहीं था, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वो अमित मित्रा का नोट आईआईटी कानपुर का जो प्रोफेसर है उनके हिसाब से किया था, उनके ही पूरा नोट्स फॉलो किया। स्टैटिस्टिक्स के जो चार पेपर है उसके अलावा और दो पेपर हमें सॉल्व करना पड़ता है, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज, आपका इन दोनों पेपर को लेके अप्रोच क्या था? जनरल स्टडीज में लगभग 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो अगर देखा जाए तो वो 100 मार्क्स में से 50 नंबर ऐसा आता है जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है। कोई भी अगर न्यूज़पेपर फॉलो करता है, उसका हैबिट है न्यूज़पेपर फॉलो करना, तो वो 50 नंबर आराम से कर सकता है, अटेम्प्ट तो कर ही सकता है। तो मुझे न्यूज़पेपर एक्चुअली पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो 100 में से 50 नंबर को लेकर मुझे कोई परेशानी नहीं था। मैं जो ओवर द ईयर्स में क्वेश्चंस फॉलो किए थे, मुझे लगता था कि मैं 50 नंबर तो कर ही सकता हूँ। इंडियन इकोनॉमी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आता था, या फिर इंडियन करंट पॉलिटी या करंट पॉलिटिक्स, या फिर कोई भी नॉर्मल बिल या लॉ ओरिएंटेड जो काफी न्यूज में है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक सीएए के बारे में उन्होंने पूछा था 2019 में, इस बार भी दो चार सवाल ऐसा ही किया था, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम था कि बाकी 50 मार्क्स को लेकर जो कॉन्वेंशनल हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी पूछ लेते हैं कि मुगल एरा में आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताओ, या फिर गुप्ता एरा का कुछ भी उसका उनका आर्मी या फिर शासन करने का तरीका बताओ, तो वो मुझे लगभग बहुत मुश्किल होता था मुझे बनाने में। तो वो मैं एग्जाम के ये लगभग एक महीने पहले यूपीएससी गाइडेंस का, सिविल सर्विस का एक बुक था, यूपीएससी गाइडेंस, एसपी जैन ऐसा कुछ नाम था, तो वहां पर मैंने देखा कि काफी कॉन्साइज एंड काफी मतलब नोट्स बना तरीके से नोट बनाया हुआ है काफी अच्छी तरीके से, जो छोटा भी है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी वहां पर अवेलेबल है, जो मेन चीज होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस होता है आईएसएस जीएस में, पांच हर क्वेश्चन में 5 मार्क्स होता है, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है कि बहुत एलेबोरेटली एक सवाल आप लिखेंगे, तो मेन टॉपिक प्रॉब्लम मेन टॉपिक्स जो होते हैं की पॉइंट्स वो आपको हाईलाइट करना पड़ता है, तो मुझे उस बुक्स में दिख गया था, तो मैं वहां से नोट बना लिया था यूपीएससी गाइडेंस का जो एसपी जैन का बुक्स है। तो हिस्ट्री में मैं ऐसे ही कि मुगल आर्ट एंड कल्चर, या फिर मुगल का शासन करने का तरीका, या फिर अकबर का राजपूत नीति, जो मतलब पूछा जाता है काफी पॉपुलर से, वो मैं वहां से बनाया लिया था, या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी का कितना कंट्रीब्यूशन है, या फिर गांधी जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहाँ पर थॉट्स का मील है, कहाँ पर थोड़ा वो लोग डिफर करते हैं थॉट्स में,
तो ये सब मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, तो मैं वो बना लिया था, ऐसे ही मैंने किया था। और इंग्लिश के लिए मैं सच कुछ प्रिपरेशन लिया नहीं था, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश का प्रिपरेशन हो जाता है आपका, तो इंग्लिश का एक प्रेसी होता है जो आपको सोच सोच के लिखना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग उसके लिए बुक्स फॉलो करते थे, लेकिन मैंने नहीं किया था। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई भी अच्छा बुक आप चाहे, यूपीएससी का आर्यहंट का बुक आता है एक, या फिर कुछ दृष्टि एकेडमी का एक बुक आता है, दृष्टि जो सिविल सर्विस का कोचिंग सेंटर है उसका भी एक गाइडेंस बुक आता है, वहाँ पर प्रेसी टेक्सी सब कुछ मिल जाता है, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। पैराग्राफ राइटिंग के लिए मेरा सोच ऐसे ही था, जो 30 मार्क्स का पैराग्राफ राइटिंग लिखना पड़ता है एक, तो मेरा सोच ऐसी था कि मैं कॉन्टेम्पररी टॉपिक्स में लिखूंगा, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर फॉलो करता था और न्यूज़पेपर ओरिएंटेड ही लिखूंगा, मैं रट्टा मार के तो नहीं जाऊंगा, मैं करंट मतलब मेरा जो थॉट्स है सोच है मैं वही लिखूंगा। तो ऐसे ही मैं 2019 में भी ऐसे ही लिखा था और मुझे 44 मार्क्स मिला था इंग्लिश में, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो मैं वैसे ही लिखा था। इसके अलावा मतलब ग्रामर एरिया रहता है थोड़ा बहुत, एक सेंटेंस के करेक्शन करना पड़ता है, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे देते हैं, करेक्शन करना पड़ता है, और कुछ वर्ड्स दे देते हैं वो, जो वर्ड्स को आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ता है। तो ग्रामर्स के लिए मैं अड्डा 247 में यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, अड्डा 247 में आंचल मैम का एक क्लासेस होता है, तो वहां पर वो मतलब एकदम पकड़ पकड़ के एक एक क्वेश्चन लिखते थे, एक एक सेंटेंस लिखते थे, जैसे आईएस जिस तरीके का क्वेश्चन आईएसएस में होता है कि एक सेंटेंस दिया गया और आपको एरर फाइंडिंग करना पड़ता है, तो वैसे ही आंचल मैम का मैं अड्डा 247 क्लासरूम में देखा था कि वो भी एक एक सेंटेंस लिखते थे और वैसे ही एरर स्टूडेंट्स को टाइम देते थे 2 या 5 मिनट, और उसके बाद वो मतलब दिखाते थे कि कहाँ पर एरर है, क्यों एरर है, सब कुछ एक्सप्लेन करते थे, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं वो फॉलो करता था वो ग्रामर के लिए। और जो 5 ऐसे वर्ड्स देते थे जो सेंटेंस में यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए देखो उसके लिए बहुत सारे बुक्स है, मतलब ऐसा नहीं है तो नहीं, ऐसा नहीं तो बुक्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बुक्स डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि उसके पीछे ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होता है, मतलब जो वो कन्वेंशनल वर्ड्स है नहीं, ऐसा नहीं है कि वो वर्ड्स न्यूज़पेपर में दिख जाता है, या फिर यूपीएससी मतलब ऐसे ही मेंटेलिटी से करता है वो वर्ड्स सेट की 5 में से हार्डली एक स्टूडेंट्स को 2 या 3 ही मतलब कर पाए अटेम्प्ट, तो उसके लिए अगर हो जाता है मतलब प्रीवियस ईयर जो वर्ड्स है वो देख के जाइए, या फिर कुछ अगर मतलब पर्सनल इंटरेस्ट है वर्ड्स जानने के बारे में वो करके जाइए, लेकिन एज सच उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए कि वर्ड्स स्टॉक बना रहा है, तो बहुत कठिन कठिन वर्ड्स रट्टा मारना है उसका मीनिंग, ऐसे मत करिए, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसके लिए मतलब उतना जो आउटकम है उतना निकल के भी नहीं आएगा, तो ओवरऑल यही अप्रोच मैं रखा था। जो इंटरव्यू आपने 2 इंटरव्यू फेस किया है, तो आपका इंटरव्यू में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली इस साल का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, मैं ये मानता हूँ, अभी तो मार्क्स रिलीज नहीं हुआ था, मैं एक्चुअली काफ़ी ईगर हूँ ये देखने के लिए कि मेरे इंटरव्यू में कैसा मार्क्स उन लोगों ने मुझे दिया था, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू में एंटर किया था, एक चेयरपर्सन होता है और उसके चेयरपर्सन के साथ 3 और मेम्बर होता है इंटरव्यू बोर्ड में, तो मैं जब एंटर किया था उनके सामने मेरे डैब जो होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग बोलते हैं वो, इंटरव्यू के बारे में जो लोग जो कैंडिडेट इंटरव्यू में सिलेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होता है उनको एक डैप भरना पड़ता है, उसमें सारे बायोडाटा लिख देना पड़ता है और वो पढ़ लेते हैं, मतलब जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे उसके पहले जो चेयरपर्सन है या फिर बाकी सारे बोर्ड मेंबर से वो एक बार तो पढ़ ही लेंगे, आपके बारे में जो भी इंटरेस्टिंग थिंग्स है वो जान चुके होंगे। तो मैं जब इंटरव्यू में रूम में एंटर किया तो उन लोगों ने बोला, जो चेयरपर्सन था उन्होंने बोला कि एक्चुअली उसमें वो लोग ज़्यादातर वो उसमें ही फोकस करते हैं कि कौन सी कॉलेज से पढ़ा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कितने परसेंटेज मार्क्स है, इंटरेस्ट क्या है, करेंटली क्या कर रहा है, एंड इसके अलावा हॉबी या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसमें वो बहुत सारे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो वो उन्होंने मतलब मेरा जो हॉबी था वो काफ़ी अलग था, मैं लिखा था कि आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग न्यूज़ आर्टिकल्स रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसीज, तो उन्होंने वो बताया मुझे यू हैव मेंशन दिस एज योर हॉबी, सो उन्होंने बोला कि आई एम क्वाइट सरप्राइज फॉर दिस काइंड ऑफ हॉबी, बट आई एम ऑल्सो ग्लैड दैट समवन इज यू आर एक्चुअली सो मच इंटरेस्टेड फॉर योर कंट्री दैट यू आर फॉलोइंग इंडियाज करेंट फॉरेन पॉलिसी, वी डेफिनेटली आस्क यू।
वी विल डेफिनेटली जज यू दैट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन करंट पॉलिसी, ये कोट अनकोट उन्होंने चेयरपर्सन ने बताया था। तो उसके बाद उन्होंने एक इंट्रो देने को कहा मुझे कि आपका इंट्रो दीजिए। तो लगभग मैंने जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज या मैंने जो प्रोजेक्ट किया था या फिर करेंटली क्या कर रहा हूँ ये सब बताया। उसके बाद उन्होंने दो चार खुद से क्वेश्चन पूछा, एक मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन था, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पूछा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ओरिएंटेड वो कॉन्वेक्स फंक्शन कॉनकेव फंक्शन उस ओरिएंटेड कुछ सवाल पूछे थे। उसके बाद वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है एनएसएसओ का, उसका सैम्पलिंग डिजाइन ओरिएंटेड एक क्वेश्चन पूछा था, टू स्टेज स्ट्रेटिफाइड PPSWOR। तो उसने बताया कि सैंपल साइज कैसे डिटरमाइन करता है, ऐसा ही सच कुछ पूछा था। उसके बाद जो सेकेंड इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझे पूछा सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग के डिफरेंस ऐसे, वह ज्यादातर सैम्पलिंग में फोकस कर रहे थे, क्लस्टर सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग ये सब सवाल पूछ रहे थे। उसके बाद जो थर्ड ऐसे ही सैम्पलिंग का और भी सवाल पूछा था, उन लोगों ने दो चार सवाल पूछ के उन्होंने छोड़ दिया। फिर जो थर्ड इंटरव्यूअर था वो इन्फरेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझे, राउ ब्लैकवेल थ्योरम या फिर क्रेमर राउ लोअर बाउंड या फिर चेबीशेव इनइक्वालिटी पूछ रहे थे, कंसिस्टेंसी के बारे में पूछ रहे थे। फिर उन्होंने बताया मुझे हट से पूछ लिया कि इंडिया के जो बहुत स्टैटिस्टिक्स फेमस स्टैटिस्टिशियंस के कुछ नाम बताइए, तो मैं पीसी चंद्र मौलान विश के नाम सबसे पहले बताया, तो उन्होंने बताया कि उसका नाम तो सब जानते हैं, उसको छोड़ के कुछ बताइए। तो मैं पीसी आनंद सर के बारे में बताया, फिर उन्होंने बताया कुछ और बताओ, फिर मुझे याद आया कि सी आर राव के बारे में बोलना चाहिए, तो मैं सी आर राव बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि राव का एक थ्योरम भी है, राव ब्लैकवेल थ्योरम, वो बताओ मुझे। तो राव ब्लैकवेल थ्योरम फिर मैंने फिर एक्सप्लेन किया। फिर ऐसे ही मतलब और दो चार इसी ओरिएंटेड दो चार सवाल उन्होंने पूछा। फिर जो इंटरव्यूअर फोर्थ थे उनको मतलब वो सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद तो वो पाई चार्ट ओरिएंटेड पाई बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया क्वेश्चन पूछना, पाई चार्ट के बारे में बताओ। तो मैं वो 360 डिग्री का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताओ, अगर 360 डिग्री नहीं आता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, सपोज समवन वांट्स टू मेक अ पाई चार्ट फॉर विथ 180 डिग्री एंगल, टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है वो बताओ। ऐसे सवाल पूछते पूछते फिर फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया उन्होंने हट से। तो बताया कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज, करेंट फॉरेन पॉलिसीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो बताओ, आप आज का फॉरेन पॉलिसीज या 20 साल का पहले फॉरेन पॉलिसीज का सेम है, उन्होंने पूछा। तो मैंने बोला नहीं डिफरेंट है, तो फिर पूछा क्यों डिफरेंट है और क्या क्या मिस्टेक्स हुआ है ओवर द इयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर से, वो आपको आपको ओपिनियन बताओ। तो ऐसे कुछ सवाल पूछना पूछ रहे थे, तो इसी ओरिएंटेड जीएस ओरिएंटेड काफी सवाल पूछा। तो फिर जब खत्म हो गया फिर चेयरपर्सन ने मुझे बोला कि आदित्य ऑलरेडी वी हैव आस्क व्हाट एवर वी वांट टू आस्क यू, वी हैव डन आवर पार्ट, अगर आपको खुद से हमें कुछ बताना है, मतलब आप मुझे, उन्होंने बोला कि मैं अगर खुद उनको कुछ बताना चाहता हूँ किसी स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है तो मैं उन्हें बता सकता हूँ। तो फिर मैंने वो PLF का रोटेशनल सैम्पलिंग डिजाइन जो NSSO करता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, मैं बहुत मतलब उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था मुझे, इंटरव्यू के पहले मैं मेहनत की थी वो समझने के लिए, और मैं ये डिटरमाइन करके गया था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ये उनको बता के आऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, वो काफ़ी शायद इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा उनको उनके मेरे बारे में उनके ऊपर। तो मैं वो बताया, फिर बोला ओके दैट्स फाइन यू कैन गो, यही लगभग 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू रहा था मेरा। यस ग्रेट दादा, अभी कुछ सब्सक्राइबर्स से आपके लिए सवाल है, तो मैं वो सवाल आपको पूछ जाऊंगा। तो पहला सवाल है कि एकदम बिगिनर जिसने आईएसएस का प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, वो कहां से शुरू करे और उसके अंदर कैसे वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हां मैं आईएसएस क्रैक कर सकता हूं। एक्चुअली मैं ना ये बहुत बताना चाहता था, मैं खुद से बताना चाहता कि एकदम बिगिनर्स मतलब अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है मतलब BSc फर्स्ट ईयर में या फिर BSc सेकेंड ईयर में और वो डिटरमाइंड है कि ISS में ही जाना है, तो वो तो सबसे पहले अपना MSc का जो यूनिवर्सिटीज है वो पहले ठीक से चूज करे, ठीक है। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं खुद IIT कानपुर से पढ़ चुका हूँ, या फिर मेरे बहुत सारे दोस्त IIT बॉम्बे से है या फिर ISI कोलकाता से है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये तीन इंस्टीट्यूट IIT कानपुर, IIT बॉम्बे एंड ISI कोलकाता इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम एनी हुए टू क्लियर दिस एग्जाम। ये आपने मतलब एकदम दिमाग में बैठा लो,
कि आईआईटी कानपुर में खुद से बता, आईआईटी बॉम्बे का कोर्स स्ट्रक्चर एकदम डिफिकल्ट डिफरेंट है आईएसएस में। आईआईटी कानपुर का कुछ मिलता जुलता है आईएसएस का जो सिलेबस है, लेकिन वो ज्यादा मतलब एकदम मल्टीवेरिएट के अलावा मतलब कोई भी मतलब हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आईआईटी का कोर्स स्ट्रक्चर इतना डिफिकल्ट होता है कि आप मतलब कोर्स के साथ साथ आईएसएस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आपको दो साल खत्म करना वेट करना है कि दो साल में एमएससी कंप्लीट करूंगा फिर मैं आईएसएस का प्रिपरेशन कर सकता हूं, ऐसा आपका मेंटेलिटी होना चाहिए। वो आईएसआई कोलकाता का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो कहीं से भी आईएसएस क्लियर करने में कहीं से वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ज्यादातर मैं जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि BHU या फिर DU या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर जयपुर यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटीज एक्चुअली इनका कोर्स स्ट्रक्चर आईएसएस के कोर्स स्ट्रक्चर से काफी मिलता जुलता है। इनफैक्ट काफी सारी यूनिवर्सिटीज इनमें से काफी सारी यूनिवर्सिटीज आईएसएस का सिलेबस देख के अपना कोर्स स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा कुछ बहुत सारे प्रोफेसर ने भी मुझे बताया। तो पहले तो वो मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट का अपना यूनिवर्सिटी से वो पहले ठीक से चूज करे, जो मैं नहीं कर पाया था। मतलब 2019 में मेरा जब एमएससी कंप्लीट हुआ था, ना मेरे पास कुछ नोट्स था, ना मुझे पता था कौन सी बुक्स फॉलो करना है, ना मुझे कुछ भी नहीं मटेरियल्स था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो ठीक से वो करे पहले। और बिगिनर्स के बारे में मैं वही बोलना बताना चाहता हूँ कि एज सच बहुत तो डिफिकल्ट है नहीं, मतलब ये एग्जाम क्रैक करना एक साल का प्रिपरेशन लगता है, एक साल अगर कुछ मतलब ठीक से कोई कर लेता है तो फिर हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब क्लास में जो पढ़ा रहा है सर वो ठीक से फॉलो करे, वो क्लास बेसिक्स जो है वो ठीक रखे, एकदम सही है। उसके बाद मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि एक और चीज की इवन दो आईएसएस का जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ पर क्वालिफिकेशन बीएससी है, लेकिन एमएससी करना बहुत ही नेसेसरी है और जरूरी भी है इस एग्जाम के क्रैक करने के लिए भी, और एग्जाम के क्रैक करने के बाद जो सर्विस में रहना है वो जो काम करना पड़ता है उस काम करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बीएससी करके इस एग्जाम में अपेयर तो कर ही सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम के बारे में मतलब बीएससी करके इस एग्जाम सर्विस में ज्वाइन करना है, ऐसे मेंटेलिटीज मत रखिए। एमएससी करिए पहले, और एमएससी के लिए अच्छे यूनिवर्सिटीज चूज करिए और ठीक से सिलेबस देख के ठीक से प्रिपरेशन करिए। आपने मतलब फर्स्ट टाइम जो आपका नाम नहीं आया तो आपने फेलियर को कैसे मतलब हैंडल किया या खुद को मोटिवेट रखा? ऑब्वियसली ये तो काफी डिफिकल्ट होता ही है फाइनलिस्ट में नाम नहीं देखने का। तो उसके बाद तभी मैं आईएसआई में प्रोजेक्ट करता था, तो आईएसआई के जो सर थे वो काफी मोटिवेट किया था मुझे, उन्होंने मोरल सपोर्ट दिया था कि और एक साल तो ट्राई कर ही सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं एक्चुअली एक प्राइवेट सेक्टर में था 3 महीने के लिए। मैं ज्वाइन किया था वहाँ पर अप्रैल में, शायद अप्रैल 2020 में, अप्रैल में जून 3 महीने के लिए मैं वो प्राइवेट सेक्टर में था। मेरा ये मेंटेलिटी था कि शायद वो काम करते करते मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकता हूँ, लेकिन वो उस 3 महीने में मुझे पता चला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं चलेगा ऐसा। तो फिर मैंने क्विट किया और फुल्ली प्रिपेयर्ड मैं इस एग्जाम के लिए ही कर चुका था। देखिए ऐसे मोटिवेट करने से भी ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट कि आप रियलिस्टिक अप्रोच रखिए इस एग्जाम के लिए। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि इस एग्जाम के लिए ना बहुत एक बैकअप प्लान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई मतलब सियोरिटी नहीं है कि इस एग्जाम में आप अपेयर करेंगे और आपका क्लियरेंस हो जाएगा इस एग्जाम के लिए, कोई सियोरिटी नहीं है। तो मैं वो माइंड में मेरा था कि अगर एग्जाम में हो जाता है मैं अपना फुल एफर्ट दूंगा, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं होता है ना तो मैं ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका था। मतलब जिस दिन लास्ट फ्राइडे को एग्जाम 30 जुलाई 2021 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसी दिन मतलब दोपहर को मैं एक्चुअली इंटरव्यू दे रहा था एक कॉर्पोरेट सेक्टर के। मतलब मैं न्यूली प्रिपेयर कर रहा था, माइंड में मेरा ऐसा था कि अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं फुल्ली कॉर्पोरेट प्राइवेट में चला जाऊंगा। तो ऐसा मतलब मुझे लगता है कि मोटिवेट तो डेफिनेटली होना चाहिए, अच्छा अगर किसी का ये एम्बिशन है वो डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन एक बैकअप प्लान, मतलब नहीं हुआ तो बार बार मतलब कितने साल आप इस एग्जाम के लिए वेस्ट मतलब स्पेंड करना चाहते हो, वेस्ट तो नहीं कहूंगा स्पेंड करना चाहते हो, वो प्लान अपने दिमाग में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कितने साल अगर नहीं हुआ उस साल के अंदर फिर आप क्या करना चाहते हो, वो प्लान रहना, वो एक स्ट्रॉन्ग प्लान रहना बहुत जरूरी है, मुझे वो लगता है। दादा एक सवाल आया था कि क्या कॉमेडी वीडियो देखना एज ए हॉबी लिख सकते इंटरव्यू के टाइम, मतलब उस फॉर्म में?
देखिए, किसी भी पैसिव इंटरेस्ट हॉबी लिखना उतना मतलब बेनिफिशियल नहीं होगा, मतलब इंटरव्यूअर को उतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। आप सिंगिंग करते हैं, आप यू डू सिंगिंग, दैट्स अ गुड हॉबी, बट यू जस्ट लिसन सिंगिंग, लिसनिंग टू सिंगिंग, दैट्स नॉट अ गुड हॉबी। ऐसे ही आप मतलब इफ यू राइट इन द डैब दैट यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वो मुझे लगता है काफी इंप्रेस करेगा इंटरव्यूअर को, क्योंकि काफी रेयर मतलब एक हॉबी है कि यू डू स्टैंड अप कॉमेडियन, वो फिर उसमें इंटरेस्ट लेंगे वो इंटरव्यूअर को, काफी सवाल उसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस किए हो आप, कैसे करते हो, या फिर बोल भी सकते हैं कि एक कॉमेडी करके दिखाओ यहाँ पर, एक 10 सेकेंड का कॉमेडी करके लिखो, लेकिन जस्ट ये लिख देना कि आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग स्टैंड अप कॉमेडी, दैट डज नॉट मेक सेंस एक्चुअली। ये मुझे लगता है कि इस तरीके का हॉबी लिखने से बचिए। मतलब लास्ट ईयर एक स्टूडेंट, मुझे पता है ऐसा कुछ हॉबी लिख दिया था कि ही इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग पबजी, तो उसमें उसको इंटरव्यू में काफी खराब मार्क्स आया था, क्योंकि ऐसे हॉबीज ना इंटरव्यूअर के माइंड में काफी मतलब नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है कि that means you are not actively doing anything other than studies, just you are passing your time. So mujhe lagta hai ki koi active like cooking ya singing ya even if you are doing stand up comedy phir to bahut acha hai, lekin kuch active extracurricular activities mention karna bahut acha, bahut important hai. आप अपने जूनियर या फ्यूचर आईएएस एस्पिरेंट से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, इस एग्जाम को क्लियर करना उतना डिफिकल्ट तो है नहीं, ऑलरेडी जो इस एग्जाम में बैठना नेक्स्ट ईयर या फिर उसके बाद बैठेंगे तो ऑलरेडी एमएससी कंप्लीट कर चुके होंगे या फिर बीएससी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उन लोगों को क्वेश्चन पैटर्न्स ऑब्वियसली वो देख चुके होंगे, तो उन लोगों को तो पता चल जाएगा कि इतना डिफिकल्ट मतलब इम्पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन उन लोगों को इतना भी पता चल जाएगा इतना आसान भी है नहीं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा या फिर पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि शायद आईएएस का एग्जाम मतलब रिक्रूटमेंट जो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट है जो वैकेंसीज है वो ओवर द नेक्स्ट 1-2 साल में और भी घट जाए, क्योंकि 2021 में भी काफी कम रिक्रूटमेंट हो रहा है, या फिर हमें देखना पड़ेगा 2022 में कैसा रिक्रूटमेंट आता है, वैकेंसीज कैसे आते हैं कैसा, तो इस काइंड ऑफ सिचुएशन में पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा इस तरह काइंड के सिचुएशंस में। और मैं पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि कंपटीशन ये ऑल ओवर इंडिया एक एग्जाम है, 11 सीट्स इस बार आईएएस के में वैकेंसीज आए हैं, अगर नेक्स्ट साल भी ऐसा ही कुछ वैकेंसीज आए हैं तो डेफिनेटली मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली अपीयर करिए, अपना फुल एफर्ट दीजिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान अपने माइंड में रखिए कि अगर 2 साल या फिर 3 साल में नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये बैकअप प्लान नहीं होता है, तो वो एकदम से ठीक बात नहीं है कि बैकअप प्लान नहीं है दिमाग में, तो डेफिनेटली मैं कोई अगर एमएससी पास करने के बाद ये डिसाइड करता है कि मैं 2 साल इस एग्जाम के लिए पूरा मेहनत करूंगा, मैं 2 साल किसी भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन नहीं करूंगा या फिर कोई भी और काम नहीं करूंगा, मैं फुल्ली प्रिपेयर करूंगा, 2 अटेम्प्ट दूंगा एटलीस्ट, तो फिर 2 अटेम्प्ट अब दीजिए, लेकिन वो डिसाइड भी कर लीजिए कि 2 अटेम्प्ट के बाद 2 साल के बाद अगर नहीं होता है किसी भी तो फिर आप क्या करेंगे, तो वो दिमाग में एक पिक्चर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 साल में अगर नहीं हुआ तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो जाता है, वो मुझे लगता है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपको फ्यूचर के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि 2 साल बाद आपके साथ और एक इंटरव्यू कर पाए लाइव एज एन आईएएस ऑफिसर, और ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपके साथ भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछा, थैंक यू।